नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिन जिन लोगों ने जनधन योजना के तहत खाते नहीं खुलवाए हैं, उन्हें जल्दी खुलवा लेना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। देश की आबादी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बैंक नेटवर्क में आ जाएगा और जब काले धन का हिस्सा बटेगा तो लेने के लिए सबके पास पहले से खाता रहेगा। इस मसले पर जिस तरह की कानूनी और राजनीतिक सक्रियता दिख रही है, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि काला धन आएगा और आ गया तो हर व्यक्ति को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में यही वादा किया था। आ गया या यहीं से निकाल लिया गया तो काला धन ही असली जनधन बन जाएगा, क्योंकि काला धन कैसे आएगा अब इसकी जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है। अदालत ने कहा है कि ब्लैक मनी कैसे वापस आएगी, जांच कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपको खाताधारी लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एसआईटी संभाल लेगी। एसआईटी, हम अब काला धन लाने के मसले को सरकार पर नहीं छोड़ सकते, ये अदालत कह रही है। ऐसे तो यह हमारे समय में कभी आएगा ही नहीं, आपकी जांच कभी पूरी नहीं होगी। आप विदेश से आई सारी जानकारी और नाम हमें सौंप दीजिए। सरकार को अब इस मामले में ज्यादा चिंता या जांच करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने सरकार से उन सभी भारतीयों के खाते की जानकारी मांगी है जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं। केंद्र सरकार से कहा है कि आप ऐसे लोगों के लिए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला यानी हिंदी में बचाव की छतरी या ढाल कवच क्यों बन रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं ऐसे लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि विदेशी बैंकों में जमा लोगों के नाम जांच से पहले बताने पर विदेशी संधियों का उल्लंघन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का। आज भी अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि अगर नाम साझा किए गए तो जांच में दिक्कत होगी, भविष्य में जानकारी नहीं मिलेगी और काला धन वापस लाने में परेशानी आएगी। जिन लोगों के खाते में ब्लैक मनी नहीं है उनकी निजता प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, यानी नाम बदनाम होगा। यही दलील देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि हम कानून की प्रक्रियाओं के तहत ही नाम जाहिर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई दिनों से चली आ रही सरकार की दलील को ठुकराया और इस मामले में जांच का काम भी सरकार से ले लिया। कहा है कि जब तक हम मॉनिटर नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि सरकार ने सोमवार को 3 लोगों के नाम जाहिर किए तो हंगामा हो गया। इसमें नया क्या है, इन तीनों के नाम तो पहले भी सार्वजनिक हो चुके हैं। इन तीनों ने कैमरे के सामने खंडन कर दिया, बल्कि एडीआर ने यह भी बता दिया कि इनमें से एक गोवा की माइनिंग कंपनी टिम्बलू प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राधा टिम्बलू ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही चंदा दिया है। एक नजरिया यह भी हो सकता है कि उन लोगों के भी नाम सार्वजनिक होंगे जो राजनीतिक दलों को चंदा देकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठा कि ये तो छोटे मोटे नाम है, क्या वे बड़े लोग भी धरे जाएंगे जिनके चंदा देने का मामूली प्रमाण मिलता है मगर जिनकी भूमिका के बारे में गांव देहात तक में लोग जानते हैं। याचिकाकर्ता राम जेठमलानी, प्रशांत भूषण की सक्रियता आज का नतीजा दिखने लगा है इसके बावजूद इनके कारण। अब तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वित्त मंत्री को खत लिख ही दिया है कि सभी के नाम बताइए। अदालत ने इन तीनों की बात पर एक तरह से मुहर ही लगाई है। स्वामी ने यह भी कहा कि फ्रांस और जर्मनी ने तो अपने आप ये नाम भेजे हैं, सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता। मैंने वित्त मंत्री को खत लिखा है कि विदेशों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का काला धन जमा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा से निलंबित सदस्य राम जेठमलानी ने भी वित्त मंत्री को खत लिखा था कि आपने जिन 18 लोगों के नाम दिए उसमें हसन अली जैसे दलाल का नाम नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या अदालत के इस फैसले ने काला धन के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार की दलीलों का को जो है उसके इसको कमजोर किया है? समय कम होने या जांच ईमानदारी से होने के दावों के नैतिक बल को क्या धक्का पहुंचा है? फैसला आते ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर कालाधन वाले को ये कहा जाए कि अपना जिस दिन तुमने अकाउंट खोला था तब से लेकर आज तक की पूरी बैंक स्टेटमेंट दो। जब वो पूरी बैंक स्टेटमेंट देंगे तो हर ट्रांजेक्शन में हस्तांतरण में पता चलेगा कि किससे पैसा आया, किसको गया। जब हर ट्रांजेक्शन की जांच की जाएगी तो बहुत सारा पैसा निकल कर आएगा और कई नए बैंक अकाउंट्स उसमें से निकल कर आएंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज रुख अपनाया है उसे एक उम्मीद की किरण जगी है। आज काफी स्ट्रांग फैसला नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी दोनों काला धन वालों के नाम छुपाती है और बचाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि 2011 में अरुण जेटली तो कहते थे कि विदेशी मुल्कों से टैक्स समझौते के कारण नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप क्यों कह रहे हैं कि मुश्किल है। माकन ने कहा कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के दोनों हलफनामे को अस्वीकार करते हुए कहा है कि सारे नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को दी जानी चाहिए। कांग्रेस को उम्मीद है कि न केवल नाम बल्कि जैसे बाबा रामदेव कहा करते थे,
5000 से ज्यादा नाम हैं, हर एक व्यक्ति के खाते में इतना पैसा आएगा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि सरकार 5000 नामों को लेकर जल्दी आ जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अदालत के फैसले के बाद बयान दिया कि उन्हें नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का यह सुझाव रहेगा कि यह इस तरीके से हो कि जो रेसिप्रोकेटिंग स्टेट हैं, जिससे सहायता चाहिए हमको, वो हमें मिलती रहे। एक बार हम लिस्ट कोर्ट को दे देंगे तो वो कोर्ट का अधिकार होगा। अगर इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहता है कि मुझे लिस्ट दी जाए तो उस आदेश का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। जब हमने एसआईटी को दे दिया तो कोर्ट को क्यों नहीं देंगे? जितने नाम सरकार के पास हैं 100% वो अदालत के पास जाएगा। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि बुधवार 10:30 बजे तक सरकार सभी नामों को अदालत के यहाँ जमा कर देगी। अदालत में सरकार के प्रति कोई गुस्सा नहीं था। विदेशों में खाता खोलना गैर कानूनी नहीं है, वो अपनी पुरानी दलीलों को दोहराते रहे।